हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटो ट्रिपर। मेरा नाम कार्तिक है और हम आज एस जे कैम्स के 8 प्रो की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा एस जे कैम्स का 8 प्रो, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसको काटना पड़ेगा। तो ये है कैमरा और इसकी अटैचमेंट्स होंगी। इसके अंदर ये सी टाइप केबल है, इसकी चार्जिंग वायर, कैमरा लेंस हो गया, ये माउंट है, ये फ्लेक्सिबल टच पैड है जो स्क्रीन पे लग जाएगा। इस पे से टच नहीं होगा, उसके लिए हमको ये वाला डोर लगाना पड़ेगा। और ये डिफरेंट अटैचमेंट्स हैं, ये बाइसिकल का शायद माउंट है, ये 360 कैमरा हेलमेट माउंट है, ये कर्व में है, ये भी 360 ही है, और ये एक्सटेंशन है, ये भी एक और एक्सटेंशन है, ये पैड्स हैं, एक्स्ट्रा पैड्स हैं, दोनों हैं कर्व और फ्लैट, दोनों एक्स्ट्रा पैड्स हैं। ये माउंट करने के लिए हो गया हेलमेट पे, और ये एक और एक्सटेंशन है आर्म है। ये हो गया वॉश क्लीनिंग क्लोथ, ये हो गई हमारी जो किसी काम की नहीं होती हैं इनको साइड कर देते हैं, और ये हो गया हमारे स्टिकर्स। देखते हैं इनका क्या यूज़ होगा। तो हम देखते हैं पहले कैमरे को। काफ़ी लाइट वेट है ये, और यहाँ से खुलेगा ये। ये आ गया हमारा कैमरा, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार ये। चलो ये इसका फ्रंट माइक हो गया, ये स्पीकर हो गया, और ये हो गया चार्जिंग का पोर्ट, सी टाइप केबल लगेगी इसमें, और ये हो गया बैटरी, ये रही इसकी बैटरी, 1200 mAh की है ये। 1 से 1.5 घंटा आपको ये बैकअप दे देगा। तो चलो इसको ऑन करते हैं। अभी इसमें मेमोरी कार्ड नहीं है तो ये दिखा रहा था नो कार्ड। इसके अंदर इसकी क्वालिटी देख सकते हो आप, काफ़ी सही है। और इसकी सेटिंग्स के बारे में बात करें तो 4K के अंदर इसकी सेटिंग्स हो जाएंगी, और इसकी ये सेटिंग्स है, वीडियो बना सकते हैं आप, वीडियो लैप्स कर सकते हैं, स्लोमो कर सकते हैं, फोटोज़, फोटो लैप्स, बर्स्ट मोड हो गया, वीडियो प्लस फोटो हो गया कि वीडियो के अंदर आप टैप करके तुम उसकी फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हो, कार मोड हो गया और लाइव हो गया। इसके अंदर आप QR कोड स्कैन करोगे ऐप से तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लाइव जा सकते हैं। इसके अंदर लैंग्वेज हो गया, वाईफाई कनेक्टिविटी, फ्रीक्वेंसी, फॉर्मेट्स, ऑटो पावर ऑफ भी कर सकते हो आप, अगर इन यूज़ नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा 3 मिनट में। और LED ऑफ टाइम भी है इसके अंदर, 30 सेकेंड्स में LED ऑफ हो जाएगी जिससे आपकी बैटरी कंजम्पशन बच जाए। और फ्रंट डिस्प्ले ऑन रखनी है, ऑफ रखनी है, इंडिकेटर लाइट्स, जो ये इंडिकेटर लाइट्स हैं इसके लिए भी ऑन ऑफ का सिस्टम है, कीपैड की टोन है इसमें, रोटेट ऑटो रोटेट भी हो जाता है कि कैसे आपको रखना है इसको, ब्राइटनेस ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देते हैं बहुत ज़्यादा है, और कलर टेम्परेचर हो गया। एक्सटर्नल माइक, एक्सटर्नल माइक को अगर आप ऑफ रखेंगे तो एक्सटर्नल माइक से कोई आपकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, इसको ऑन रखना आप। मेरे पास तो अभी नहीं है एक्सटर्नल माइक, तो मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ। डेट टाइम्स, गिम्बल कंट्रोल, अगर आपके पास गिम्बल पे लगाते हैं तो इसको ऑन कर लो तो उस मोड में आ जाएगा ये। और डिस्प्ले ISO इसको ऑन रख दो। वर्जन हो गया इसका SJ8 Pro, अपडेट कर लेना अगर आपका वर्जन 1.4.3 नहीं है तो।
तो हम चलते हैं अब सेटिंग्स की तरफ। इसके अंदर अगर आपको अल्ट्रा वाइड चाहिए तो 4K अल्ट्रा है इसमें, जिस पे आप अल्ट्रा वाइड मोड कर सकते हैं, और एक सिंपल 4K है इसके अंदर। FPS है 60 FPS मैक्सिमम है, एंड मिनिमम 24 FPS है। तो हम इसको 60 FPS पे एक बार चेक करते हैं, काफ़ी सही है। और अल्ट्रा वाइड के अंदर हम 1080p में भी कर सकते हैं अगर आपको 60 FPS यूज़ करना है तो। और इसके डिफरेंट रेजोल्यूशन हैं, हम इसके अंदर ये सारी रिकॉर्डिंग, वाइड बैलेंस और सारे मोड्स, गिम्बल, जायरो स्टेबलाइजेशन, जितने भी तुम्हारे वो होते हैं एडिटिंग के, वो भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। ये भी आप बढ़ा घटा सकते हैं। तो और ये हो गया वीडियो रिव्यू करना, अगर आपको देखनी है कोई वीडियो है तो। अभी कोई वीडियो नहीं है इसमें, नो फाइल्स दिखा रहे हैं, इसमें फ़ोटोज़ रिव्यू हो जाती हैं। और जूम, जूम आउट ये है, इसमें इसकी लेबलिंग हो रखी है। ये फ्रंट डिस्प्ले होगी, ये सेटिंग्स खुली हुई हैं तो ये सेटिंग्स दिखा रहा है इसमें। इसको हम बैक कर देंगे तो इसके अंदर ये हमको दिखा देगा कि कितने रेजोल्यूशन पे और कितनी टाइमिंग है और बैटरी बैकअप सब कुछ दिखा देगा। ये इसका लेंस हो गया, जो इसको हम उतार देते हैं।